खतरनाक लीड पर एंड शायद ये तहस नहस जो हाइड्रा 2.0 दिखाई दे रही है उसका अभी के लिए जवाब नहीं है टीम ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के पास, बट देखते हैं क्या करेंगे। क्रॉस फायर पोजीशन सेट कर दी गई है, क्यों बेहतरीन एंगल जैक्सन का मान्या को कॉट करते हैं, वहां पर रॉनी ने जरूर सीक्रेट को संभाला, बट अभी के लिए ये एक बड़ा सीक्रेट है क्या ग्लोबल ईस्पोर्ट्स कमबैक करेगी। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स का कमबैक करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। 10 से 11 पॉइंट्स का डिफरेंस, हाइड्रा 2.0 दे आर रूलिंग ओवर द टॉप। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के लिए मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आगे आएंगे रॉनी सीक्रेट के साथ 1v1 में, रॉनी का डिफरेंस क्रिएट करने का जो चांसेस है दैट्स प्रीटी हाई। Global Esports, they are trying to play some tricks against Hydra, but Secret will be getting Ronnie down there, and साथ साथ Global के ऊपर मुश्किल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल, but यहाँ पर अभी भी Global Esports is fighting. 10-23 का स्कोर एंड यहाँ से एक्चुअली चीजें पलटना बहुत मुश्किल लग रहा है, but टीम रवि से रहेंगे, we can't underestimate anything, and yes, comeback हो सकता है यहाँ पर, comeback है, विश्वास है मुझे। And ready है यहाँ पर टीम ग्लोबल ईस्पोर्ट्स, बट अगेन रॉनी फंस चुके हैं पूरी ऐसी पोजीशन में जहाँ पर उन्हें पिन डाउन करा जाएगा। माने अभी फंसे, 10-25 की एक ह्यूज लीड है टीम हाइड्रा 2.0 के पास, and it's gonna be intense, it's gonna be tough for ग्लोबल ईस्पोर्ट्स to make a comeback at this point of time. इधर यू गो एग्रेसिव, बट वहां पर देखिए कितना आगे चले गए रॉनी, माने यहाँ पर अकेले है, कोट करे जाएंगे, बट रॉनी पीछे से प्रहार करते हुए एक शानदार पिक, 12-26 का स्कोर है। रॉनी अब लीड लेते हुए आगे बढ़ बढ़ कर खेलना पसंद कर रहे हैं, सीक्रेट अभी उस पोजीशन में मौजूद है, बट लेट्स सी रॉनी व्हाट्स इज गोना डू। माने अपनी पोजीशन थोड़ा सा दिखाकर लियोर करने की कोशिश, दो प्लेयर्स दो अलग अलग एंगल्स फिगर करते हुए, कहीं ना कहीं क्रॉस फायर सेटअप की कोशिश थी, बट अच्छा वहां पर अजस्ट दिया सीक्रेट ने, पिक निकाला है मान्या ने, मान्या का निकाला था। वेल ये समय अभी के लिए यू नो एक बहुत बड़ा कंसिडरेबल पॉइंट है, अगर आप उसको सही से इस्तेमाल कर सकते हो इट कैन बी अ बिगेस्ट, इट कैन बी अ बिगेस्ट फ्रेंड, एंड अगर आप उसको थोड़ा सा भी अंडर एस्टिमेट करो इट कैन बी अ बिगेस्ट एनिमी। सो इन दैट केस आप क्या डिसाइड करो उसके ऊपर ये पूरा गेम डिपेंड करता है। बस 29-16 का ये स्कोर जहाँ पे हम कह सकते हैं अभी के लिए टीम ग्लोबल ईस्पोर्ट्स दे आर लैगिंग वे टू फार बिहाइंड। Oh my gosh, but still, Global Esports काफी करीब धीरे-धीरे पहुंचने की कोशिश कर रही है, और शायद एक मिनट क्या वो कीमती समय रहेगा है ना, अब जहां पर टीम Global Esports का बैक कर सकती है, सीक्रेट को यहां पर कहने का कॉल अप करा गया, जैक्सन अभी के लिए कंसील करते हुए पोजीशन नहीं जाना चाहते हैं, लीड मान्या को, लुक एट दैट ब्यूटीफुल शॉट, बट जैक्सन को लास्ट बुलेट टच हुई है, एक और पिक मिला, बट 18-31 का स्कोर, एंड अब मैं कह सकता हूँ औपचारिकता ही बची है 47 सेकंड में इस लीड को पत्ते को अपनी ओर खींचना ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के लिए कहीं ना कहीं पहाड़ तोड़ने जैसा रहेगा, या फिर हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा मुश्किल। 19-32 का स्कोर है, नब सिर्फ 36 सेकंड शेष है। वेल ये 32 सेकंड अभी के लिए काउंट आउट करने वाला है, 32 पॉइंट हाइड्रा 2.0 के बोर्ड के ऊपर अभी भी पूरी तरीके से प्रिवेल करता हुआ, एंड आई बिलीव दैट 12 पॉइंट डिफरेंस इज द की that can actually make many things happen right now. That is 20 ka score yani difference badhta ja raha hai 34 yani 14 point ka difference yahan pe hydra 2.0 ne global score ke against khada kar diya hai as ronnie gets another one down it's 21-34 on the board and 4-3-8 hydra 2.0 gets the victory in their pocket. Yes, sensei.